नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल सेल्फ डिफेंस एंड हेल्थ में। दोस्तों आज मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, अगर कोई बंदा आपको पीछे से इस तरह से पकड़ता है तो आप अपने आप को उससे कैसे रिलीज करा सकते हो, ये मैं बताता हूँ आपको आज के इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, अगर कोई बंदा आपको पीछे से पकड़ता है, अगर कोई बंदा आपको इस तरह से पीछे से पकड़ता है तो आप उस बंदे से कैसे रिलीज़ हो सकते हैं। आप उस बंदे से ना तो पीछे हाथ मार के छूट सकते हैं और आपके पास कोई तरीका नहीं बचता। दोस्तों मैं बताता हूँ आप कैसे छूटेंगे उस बंदे से। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको उस बंदे का जो हाथ है अपने हाथ से इस तरह से टाइट करना पड़ेगा। फिर से देखिए दोस्तों, ये हाथ है, इसको टाइट करना पड़ेगा, ये आपको दिख रहा है, टाइट करना पड़ेगा और आपको नीचे झुकना पड़ेगा। आप ज़ोर से दबाइए, ज़ोर से, ये देखिए, आपको ऐसा ना लगे कि ये नहीं दबा रहे हैं, ये ज़ोर से दबा रहे हैं, मेरे पेन हो रहा है और मैं नीचे झुक रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये दबाते जा रहे हैं और मैं झुकता जा रहा हूँ। इस स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो ये वाला पैर है, इस पैर को आप इसके पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। देख रहे हैं दोस्तों, आपका ये वाला जो पैर है, इस पैर को आप इस तरह से लेके जाएंगे पीछे। पीछे ले जाने के बाद आपको और झुकना है, जैसे वो दुश्मन आपको दबाता जा रहा है आपको और झुकना है और आपको इस तरह से दुश्मन को उठा लेना है। तो दोस्तों दूसरे पार्ट में अगर हम आते हैं, दूसरे पार्ट में अगर दुश्मन हमको दोबारा से इसी तरह से पकड़ता है, देखिए पकड़ी है ये, इन्होंने मुझे दोबारा इसी तरह से पकड़ा, दुश्मन आपको पकड़ा हुआ है। हमारी पहले वाली ट्रिक में हमने पैर ऐसे हाथ दबाया था और पैर पीछे ले गए थे। दोस्तों इस स्थिति में हमको वापस से अपना यही पैर, दुश्मन दबा रहा है, आप दबाइए दोस्तों, दुश्मन दबा रहा है और हमें दर्द हो रहा है, नीचे झुक रहे हैं। दोस्तों इसी स्थिति में हमको दोबारा ये पैर इस स्थिति में ये पीछे ले जाना है, पीछे ले जाना है दोस्तों। पीछे ले जाने के बाद हमें वापस ऐसे एंटी क्लॉक वाइज घूम जाना है तो दुश्मन आपका ढेर सकता है। देख रहे हैं दोस्तों, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस स्थिति में, फिर से देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, आप सीखिए। ये इस स्थिति में दुश्मन ने मुझे दबाया और मैं दबता जा रहा हूँ, दबाइए आप जोर से दबाइए, ये मैं दबता जा रहा हूँ दोस्तों। उस स्थिति में वापस से आपको अपना ये वाला पैर इस तरह से पीछे लाना है और एंटी क्लॉक वाइज घूम जाना है इस तरह से, आपका दुश्मन पूरे काबू में आ जाएगा। दोस्तों इसी पकड़ की तीसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसको। अगर कोई हमलावर या आपका दुश्मन आपसे हेल्थ में ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, मोटा है, आपसे तगड़ा है, तो आप उससे किस तरह से छूट सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, ये इन्होंने मुझे पकड़ा, ये मुझसे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, मैं इनसे छूट नहीं सकता। इस स्थिति में हमको क्या करना है दोस्तों, वही ये ताकत लगा रहे हैं और मैं नीचे झुकता जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, आप ज़ोर से दबाइए, ये मुझे दर्द हो रहा है और ये मेरे से लंबे भी हैं। इस स्थिति में दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है और आपको थोड़ा सा टेढ़ा होना है। देखिए दोस्तों इस तरह से, मैं आपको फिर से बताता हूँ, किसी ने पकड़ रखा है आपको, वापस से दोस्तों ऐसे टेढ़ा होना है, आपका ये हाथ बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ये हाथ दोनों फ्री है। इस हाथ से आपको हाइड्रोसिल पर अटैक करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोसिल पर अटैक करना है, या आप देख रहे हैं मेरे इस हाथ से आप दुश्मन के हाइड्रोसिल पर अटैक करेंगे और दुश्मन आपको रिलीज करेगा। तो ये तीसरी ट्रिक थी आपको इस लॉक से छूटने की। अब मैं इन्हीं ट्रिक्स का जल्दी जल्दी से रिपीट करता हूँ कि अगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं रियल लाइफ में आपको करके बताता हूँ क्या होता है। पकड़िए, ये दूसरी ट्रिक है, तो दोस्तों अगर आपको कोई पीछे लॉक बना के इस तरह से पकड़े तो आप इन तीनों ट्रिक का यूज़ करके दुश्मन से रिलीज हो सकते हैं। जय हिंद, बने रहिए वीडियो में और आने वाले वीडियो मेरे देखते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।